हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नए रिवेंज लव स्टोरी लेकर। तो ये कहानी एक ऐसे कपल की कहानी है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग एक हंसते खेलते कपल की जिंदगी को कुछ इस तरीके से बदल देता है कि जो इंसान अपनी दोस्त से बचपन से ही शादी करने का सपना देखता है सिर्फ इस मकसद से कि वो उसके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिताएगा, लेकिन वो मकसद इस मकसद में बदल जाता है कि अब उसे उससे बदला लेना था, जिसकी वजह से वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है क्योंकि उसकी नज़रों में तो उसकी बचपन का प्यार एक कातिल था और वो भी किसी और का नहीं बल्कि में उसके भाई का। तो ये कहानी पूरे ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। सो आई होप गाइस कि आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम फटाफट से इस ब्यूटीफुल से ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की शुरुआत होती है हमारी फीमेल मेन लीड से जिसका नाम की जूडी होता है। जूडी को उसका हस्बैंड सूजन उसकी शादी के ही दिन काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि तुम्हारी ही वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया और मेरे साथ ये सब कुछ होता हुआ देखकर तुम्हें तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होगी ना। तो उसकी बातों को सुनने के बाद जूडी उससे बोलती है कि तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा तुम सोच रहे हो। आखिरकार मैं तुम्हारे भाई को क्यों मारूंगी, मैं उनको अपने भाई की तरह समझती थी। सूजन उसे बोलता है कि एक तो गलती करती हो और ऊपर से झूठ भी बोलती हो। जब मेरे भाई को तुमने सीढ़ियों से गिरा दिया था उसके बाद तो वहाँ पर कोई नहीं था, तुम ही वहाँ पर थी। जूडी बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी सूजन एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे लगा देता है और उसके बाद उससे कहता है कि भले ही मैंने तुमसे शादी कर ली है लेकिन मैं तुम्हें कभी भी एक वाइफ की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूडी पूरी रात भर बारिश में भीगती रहती है, जहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि वो 2 मंथ प्रेगनेंट थी। जिस हिसाब का बिहेवियर सूजन का था उसको लेकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसे इस चीज के बारे में नहीं बताना चाहिए और जल्द से जल्द अबॉर्शन करवा देना चाहिए ताकि उसे इस बारे में पता भी ना चले। जब वो यही सारी बातें सोच रही होती है तभी वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। सूजन ऊपर से खड़ा होकर सब ये चीजें देख रहा होता है लेकिन वो नीचे ही नहीं आता है उसके हेल्प करने के लिए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब जूली इस तरीके से वहीं पर बेहोश हुई होती है तो वो उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब जूली को होश आता है तो उसके सामने यहाँ पर एक नई कैरेक्टर की एंट्री होती है जो हमारे इस ड्रामे की विलन है और इसका नाम टियान है। टियान जैसे ही उसे देखती है तो उसके पास आकर उसे डिवोर्स एग्रीमेंट देकर उसे कहने लग जाती है कि जल्दी से इन डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। उसकी बातों को सुनने के बाद जूली उसे बोलती है कि तुम्हारा दिमाग कुछ खराब हो गया है क्या, जब तक सूजन मुझे इस पे साइन करने के लिए नहीं बोलेगा तब तक मैं नहीं करूंगी इस पे साइन। बट उसके बाद टियान उसे जबरदस्ती करने लग जाती है जिसके बाद गलती से जूली उसे धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर सूजन की एंट्री होती है और सूजन वहाँ पर आते ही जब उसकी नज़र डिवोर्स पेपर पर जाती है तो उसको तो ऐसा लगता है कि जूली उससे डिवोर्स लेना चाहती है और इस बात को सुनने के बाद तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जूली को देखकर उसे कहने लग जाता है कि तुम मुझसे डिवोर्स लोगी, तुम्हारी इतनी औकात है क्या, तुमसे शादी करना मेरा डिसीजन था और अब तुमसे तलाक करना भी मेरा ही डिसीजन होगा और मैं तुम्हें जिंदगी भर इसी तरीके से तड़पाऊंगा लेकिन तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा और इसी तरीके से तुम्हें जीते जी मैं मार दूंगा जिस तरीके से तुमने मेरे भाई को मारा था। इस बारे में सुनने के बाद तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यहीं पर ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि जूली दवाइयाँ खा रही होती है। तभी उसको कॉल आता है उसके डैड का और उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम जल्द से जल्द कुछ पैसों का इंतज़ाम कर दो, हमारी कंपनी तो वैसे भी बैंकक्रप्ट हो गई है और हमें इस टाइम पर पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है और उसके ऑपरेशन के लिए हमको पैसे चाहिए। जूली उनसे बोलती है कि सूजन तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, वो मेरी हेल्प क्या करेगा, लेकिन उसके डैड उसे बोलते हैं कि उसका बेटा तुम्हारे पेट में है तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। जूली को उनकी बात बिल्कुल सही लगती है इसलिए वो फटाफट से उनको कॉल करती है और सूजन से मदद मांगती है। लेकिन सूजन तो उसकी आवाज़ सुनते ही पहले ही उससे पूछने लग जाता है कि तुम कौन हो क्योंकि उसने उसका नंबर ही सेव नहीं किया था, जिस चीज़ को देखने के बाद तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद वो उससे मदद मांगती है तो सूजन उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है।
जूली सोचती है कि जब सूजन उसके सामने आएगा तो वो तभी उससे मदद मांगेगी। तो इस तरीके से जैसे ही सूजन उसके पास आता है तो वो उससे मदद मांगने लग जाती है, लेकिन उसके बाद वो उससे कहने लग जाता है कि तुमने मेरे भाई को मारा है और जब तुम्हारा भाई भी मरेगा ना तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि तब हमारा बदला पूरा हो जाएगा। मेरे भाई के साथ तुमने जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी कभी भी मदद करूंगा या फिर तुम्हें माफ़ करूंगा? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, समझी तुम? तुमसे मेरी शादी सिर्फ एक पर्पस के लिए हुई है, वो भी तुमसे बदला लेने के लिए। जो कुछ भी तुमने मेरे भाई के साथ किया है ना, मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा। और इस तरीके से वो उसके साथ फिजिकल होने लग जाता है। जूली उसे बोलती है कि मुझसे दूर रहो, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं सुनता है और उसके बाद उसको काफ़ी सारी धमकियाँ भी देता है, जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो उससे बोलती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, लेकिन वो डिवोर्स देने के लिए साफ साफ मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे डिवोर्स मांगने से तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा? इतना इजी नहीं है, मैं तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा ही कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो उधर ही हम देखते हैं कि जो जूली का भाई होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है और जूली को ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर से कहती है कि आप मुझे 2 दिन का टाइम और दे दीजिए, मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी, लेकिन प्लीज़ आप मेरे भाई का ऑपरेशन कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। उसकी बातों को सुनने के बाद डॉक्टर उसे 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, बट जूली को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो क्या करे। तो वो जो डॉक्टर होता है वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें एक बार में जॉब दिला सकता हूँ, जहाँ पर तुम्हें बस लोगों को वाइन सर्व करनी होगी, वैसे भी इसके लिए तुम्हें काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। दरअसल ये सब कुछ जो भी डॉक्टर कह रहा था वो किसी और के कहने पर नहीं कह रहा था, बल्कि मैं टियान के कहने पर कह रहा था। तो दूसरी तरफ जूली इस बात से अनजान कि वहाँ पर उसके साथ क्या होने वाला है, वो तो अपनी जॉब करने के लिए वहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर उसको एक लड़का दिखता है और वो लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे कहने लग जाता है कि ब्यूटीफुल लड़की कहाँ जा रही हो तुम, हमारे साथ भी तो थोड़ा टाइम स्पेंड करो। जूली उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर वाइन सर्व करने के लिए हूँ बस, तो प्लीज़ आप मुझे इस तरीके से परेशान मत कीजिए, लेकिन वो उसकी एक बात पे नहीं मानता है और उसके बाद वो वहाँ पर अपने दोस्त को भी बुलाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उसको परेशान करने लग जाते हैं। जूली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपनी हेल्प के लिए लोगों को बुलाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। जूली जब सारी उम्मीदों को खो बैठती है तभी वहाँ पर सूजन की एंट्री हो जाती है और जैसे ही वो ये सारी चीज़ें देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो वहाँ पर भाग कर जाता है। तो वो लड़के उससे कहने लग जाते हैं कि हेलो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हम पैसे देकर यहाँ पर आए हैं, इसलिए यहाँ से निकल जाओ, ठीक है ना? तो जो सूजन होता है उनसे कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की? और इसी तरीके से वो उसके सामने उनको पकड़ लेता है और उसके बाद उन गुंडों को बहुत ज़्यादा मारता है। लेकिन उन गुंडों के वहाँ पर से जाते ही वो दोबारा से जूली के साथ एकदम बदतमीजी से बिहेव करने लग जाता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि डर्टी लड़की, तुम मुझसे दूर रहो। ऐसा ही कहने के बाद वो उसके ऊपर आइस क्यूब डालने लग जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसी गंदी लड़की मेरे पास भी नहीं भटकनी चाहिए। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है एक और नई कैरेक्टर की और ये हमारे ड्रामे का सेकंड मेन लीड है, जिसका नाम की जिन होता है। जिन बहुत ही अच्छा दोस्त होता है जूली का, इसलिए तो सूजन को उससे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ होती है और उसे वहाँ पर देखते ही वो जूली से कहने लग जाता है कि लो तुम्हारा आशिक आ गया, जाओ अब इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो, चलो तुम और लड़कों के साथ करती हो। जूली कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं मानता है और उसके बाद उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी पीठ पीछे तुम क्या करती रहती हो और किस तरीके से तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो, और आज जो तुमने मेरे साथ किया ना उसकी सजा तो मुझे तुम्हें देनी ही पड़ेगी। इसी तरीके से वो उसका हाथ खींचकर उसे उसके भाई के पास लेकर आता है और उसके बाद उसका ऑक्सीजन मास्क निकालने की कोशिश करता है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जूली भाग कर उसके पास आती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारा दिमाग कुछ ख़राब हो गया क्या, ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे भाई की जान चली जाएगी, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जैसा तुम बोलोगी मैं बस वैसा ही करूँगी, कभी भी जिनसे नहीं मिलूंगी और कोई भी जॉब नहीं करूँगी, बट प्लीज़ तुम इस तरीके से मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने ऐसा मत करो मेरे भाई के साथ। तो सूजन उससे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे भाई के साथ ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन तुम अपना सर झुकाकर मेरे सामने माफ़ी मांगो। तो उसके बाद जो जूली होती है वो अपने भाई को बचाने की खातिर उसी के सामने सर झुकाकर माफ़ी मांगने लग जाती है, लेकिन तभी वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसको ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद सूजन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसके बाद उसके पास आकर उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है और वो देखती है कि उसके सामने सूजन बैठा हुआ है।
और वो सोचने लग जाती है कि क्या सूजन सच में उसकी हेल्प करना चाहता है या फिर वो ये सभी किसी मतलब के लिए कर रहा है। लेकिन तभी नर्स वहाँ पर आकर उसको बताती है कि उसके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए वो जल्दी से अपने भाई से मिलने के लिए चली जाए। जूली को जैसे ये बात पता चलती है तो वो बिना कुछ सोचे समझे और अपनी तबीयत का ख्याल करते हुए वहाँ पर से भाग कर चली जाती है अपने भाई से मिलने के लिए। और उसके भाई को वो वहाँ पर से सर्जरी के लिए ले जा रहे होते हैं, जहाँ पर जूली अपने भाई से कह रही होती है कि तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। ऐसा ही कहने के बाद वो बाहर पर बैठकर रोने लग जाती है और बस यही सोच रही होती है कि जल्दी से जल्दी उसका भाई ठीक हो जाए। जब वो अपने भाई से मिलने के लिए वहाँ पर जाती है तभी सूजन की एंट्री वहाँ पर हो जाती है, जो उसे देखकर कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी परमिशन के बिना तुम सांस भी नहीं ले सकती हो, तो आखिरकार तुम अपने भाई से मिलने के लिए कैसी चली गई? तुम मेरी नौकर हो और एक नौकर का काम है अपने मालिक के अकॉर्डिंग चलना। अगर तुमने अपने मालिक के खिलाफ जाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। इसी तरीके से वो उसका गला दबाने लग जाता है और थोड़ी ही देर बाद उसको अकेले वहाँ पर धक्का देकर वहाँ पर से चला जाता है, वो भी टियान के साथ, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और जूली वहीं पर ही बैठकर रोने लग जाती है। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और वो डिसाइड करती है कि अब अपनी ज़िंदगी को एंड कर देगी। वो सूजन को कॉल करती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम सच में मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो ना, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी नफरत के लिए कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, बस मैं तुमसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है। उसकी बातों को सुनने के बाद सूजन उससे बोलता है कि क्या हुआ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तभी उसका मैनेजर वहाँ पर आता है और उसको बताता है कि जो जूली है वो सुसाइड अटेम्प्ट करना चाह रही है, इसलिए आप जल्दी से उसके पास जाकर उसे बचा लीजिए। थोड़ी देर बाद सूजन अपना काम काज छोड़कर जूली को बचाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो उसे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन जूली ने ठान लिया था, इसलिए वो वहाँ से नीचे कूद जाती है। लेकिन सही समय पर हॉस्पिटल पहुँचने की वजह से वो बच जाती है, जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है क्योंकि इतने बड़े मुश्किल से उसने इतना बड़ा फैसला जो लिया था और अब जो सूजन था वो उसे चैन से मरने भी नहीं दे रहा था। वो सूजन से कहती है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो, ना ही तुम मुझे जीने देना चाहते हो और ना ही तुम मुझे मरने देना चाहते हो, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? सूजन उसे बोलता है कि ये तो अभी स्टार्टिंग है, तुम मेरी मर्जी के बिना मर भी नहीं सकती हो, समझी तुम, क्योंकि तुम मेरी गुलाम हो। जूली उसे कहने लग जाती है कि कितने बार बताओ मैंने तुम्हें भाई को नहीं मारा है, प्लीज़ तुम मेरी बातों का भरोसा करो। जब वो यही सारी बातें बोल रही होती है तभी वहाँ पर डॉक्टर की एंट्री होती है और वो उनको बताते हैं कि जूली के भाई की डेथ हो गई है, जिसके बाद तो उसका दिल ही टूट जाता है और उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो उधर एक और बार जो जूली है वो सूजन से डिवोर्स के लिए बोलती है, लेकिन अब की बार भी सूजन उसे डिवोर्स देने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद वो मना कर फटाफट से दोबारा से हॉस्पिटल में जाता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारी आजकल कुछ ज़्यादा जुबान नहीं चल रही है। जूली उससे बोलती है कि मेरे भाई को मारने के बाद तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होगी ना मुझे इतने दुख में देखकर। तभी वहाँ पर उसके डैड की भी एंट्री हो जाती है और जैसे ही उसके डैड वहाँ पर आते हैं तो वो ज़ोरदार थप्पड़ लगा देते हैं अपनी बेटी के मुँह पर और उसके बाद उनसे कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी ही वजह से तुम्हारे भाई की डेथ हो गई। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सूजन के साथ ठीक से रहो, वो तुम्हारी हेल्प करेगा, लेकिन तुम ही इसके साथ इतने बदतमीजी से रहती हो तो ये हमारी हेल्प क्यों करेगा आखिरकार? इसी तरीके से वो सूजन की तरफ देखकर उससे कहने लग जाता है कि ये लड़की आज के बाद मेरी बेटी नहीं है, इसलिए आपको इसके साथ जो करना है आप वो कर सकते हैं, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही कहने के बाद वो उसको नीचे गिरा देते हैं और जिस वजह से जूली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसका हस्बैंड तो उसके साथ हमेशा से इस तरीके से बिहेव करता आ रहा था, लेकिन उसके डैड भी बेफालतू में उसके लिए सारी बातें बोल रहे होते हैं बिना सच को जाने हुए। और अब जूली को समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से वो सबको एक्सप्लेनेशन दे कि वो सच्ची है बाकी सब झूठे हैं। तो उधर ही हम देखते हैं कि जो टियान होती है वो प्रोवोक कर रही होती है जूली को और उसके सामने अनाप शनाप बातें बोल रही होती है, जिसके बाद जूली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसे बोलती है कि अपनी बकवास बंद रखो। लेकिन तभी जो टियान होती है उसे वहाँ पर सूजन के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो जानबूझकर नीचे गिर जाती है ताकि सारा का सारा जो ब्लेम हो वो जूली के सिर पर आ जाए। इसी तरीके से ये जो जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है, जब भी वहाँ पर सूजन आता है
तो वो बिना कुछ सोचे समझे टियान की बातों को सच्चा मान लेता है। लेकिन टियान फिर भी एकदम भोला बनने का नाटक करती है और उससे कहने लग जाती है कि प्लीज़ तुम मेरी बहन को मत डांटना, वो बहुत अच्छी है, उसने मुझे गलती से धक्का दे दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। सूजन उससे कहता है कि तुम इसे नहीं जानती हो, ये एकदम बेकार लड़की है जो अपनी चीज़ों को पाने के लिए किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती है। जूली उससे बोलती है कि मेरी बातों को एक बार समझने की कोशिश तो करो। बट अगर सूजन उसकी बात समझना चाहता तो वह पहले ही उसकी बातों को समझ जाता। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि जूली अपने रूम में लेटी हुई होती है, तभी वहाँ पर टियान कुछ औरतों के साथ आती है और उसके बाद वो उनसे कहती है कि अच्छे तरीके से जूली की खातिरदारी करो। बहुत ज़्यादा बनती है ना ये अपने आप को। इस तरीके से वो वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो जो औरतें होती हैं वो उसे मारने लग जाती है। तभी हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूली को कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सूजन आता है और उसके बाद जूली को बचाता है, जहाँ पर वो उससे प्रॉमिस भी करता है कि आज के बाद वो उसको लाइफ में कभी भी किसी को भी बुली नहीं करेगा। तो उधर ये जो टियान होती है वो इस तरीके का बिहेव करती है जैसे कि उन औरतों को वहाँ पर किसी और ने नहीं भेजा बल्कि मिस सूजन ने भेजा है। और इसी तरीके से जो जूली होती है उसे भी यही लगता है। अपना काम ख़त्म करने के बाद जब सूजन जूली के पास जाता है तो वो देखता है कि वो वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है। थोड़ी ही देर बाद वो उसको हॉस्पिटल में लेकर जाता है और उसके बाद जूली से पूछता है कि तुम कैसी हो, लेकिन जूली उसकी बातों को इग्नोर मारती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें करने के बाद अब तुम मुझसे यहाँ पे आकर पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ। अपनी बकवास बंद रखो, अब तुम्हें सुकून महसूस हो रहा होगा ना मुझे इस तरीके से लोगों से पिटवाने की बात। उसकी बातों को सुनने के बाद सूजन उससे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब जूली उससे बोलती है कि ऐसा ही है तो वो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। जूली उससे बोलती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और यही मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं तुम जैसे डेविल इंसान से दूर रहना चाहती हूँ। तरीके से ये सीन यहाँ पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब सूजन पूरे जद्दोजहद से ये पता लगने पर जुड़ जाता है कि आखिरकार किसने उन औरतों को जूली को मारने के लिए भेजा था। जहाँ पर वो उस नौकरानी को बुलाता है और उसको वो उससे झूठ झूठ बोलती है कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और उसकी इन झूठी बातों को सच्चा साबित करने के लिए टियान उससे कहने लग जाती है कि उस दिन तो ये सब मेरे साथ थे, तो तुम ही सोचो कि वो उससे हर्ट कैसे कर सकते हैं। तो तभी जो सूजन होता है वो उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तो वो उससे कहती है कि मतलब यही है कि वो नाटक कर रही है। ये बात सुनने के बाद सूजन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उधर ही हम देखते हैं कि जूली की मॉम को वहाँ पर और सर्वेंट जो होती है वो परेशान कर रही होती है। तभी वहाँ पर जूली आती है और उसके बाद उन सभी को वहाँ से दूर भगाती है। उसकी मॉम उससे बोलती है कि हमारी कंपनी तो बैंक्रप्ट हो गई है, हमारे पास एक पैसा नहीं बचा है, इसलिए मुझे जॉब करनी पड़ रही है। मुझे इससे कुछ पैसे मिल रहे हैं जिससे हम अपना खाना खा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सकते हैं, तुम हमारी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना और अपने आप पर ध्यान रखना। तभी उनको कॉल आता है जहाँ पर उनको पता चलता है कि उसके डैड पे कुछ लोगों ने फेक एलिगेशन लगाए हैं जिसकी वजह से उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। इस बात को सुनने के बाद तो जूली की मॉम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वहीं पर ही बेहोश होने वाली होती है। जूली उन्हें संभालती है और उनसे बोलती है कि मॉम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाती हूँ और पता करती हूँ कि आखिरकार चल क्या रहा है। ऐसा ही कहकर जब वो वहाँ पर जाती है तभी उसके सामने सूजन आ जाता है और सूजन को देखने के बाद वो उससे कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, देखो मैं तो नहीं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बट मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे फादर को बचा दो। आई नो कि इस टाइम पर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, प्लीज़ सूजन मेरी हेल्प कर दो, अगर तुमने मुझे कभी भी अपना दोस्त समझाया तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। बट उसकी बातों को सुनने के बाद भी जो सूजन होता है वो उसकी हेल्प करने के लिए सीधे सीधे मना कर देता है। बट तभी वो उससे बोलता है कि अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। उसकी बातों को सुनने के बाद जूली फटाफट से नीचे झुककर उससे माफ़ी मांगती है। सूजन उससे बोलता है कि मज़ा नहीं आया। ऐसा ही कहने के बाद वो उसे इग्नोर मारकर वहाँ पर से चला जाता है। तभी उसका मैनेजर जो होता है वो जूली को उठाता है। दूर से ही जब ये सारी चीज़ें टियान देख रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं इन सारी चीज़ों के चलते हुए सूजन के दिल में जूली के लिए फीलिंग्स न जाग जाए, इसलिए उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद जूली की मॉम उसके पास आती है और उसके बाद रोते हुए उनसे कहने लग जाती है कि समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और अब हम क्या करें। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है जिनकी और वो उनसे कहने लग जाता है कि आंटी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक लॉयर हूँ तो मैं आपका केस लड़ूंगा। और जब अंकल ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो आखिरकार उनको सज़ा क्यों मिलेगी, आप ही बताइए मुझे। तो जब वो ये सारी बातें बोल रहा होता ना
तभी वहाँ पर सूजन की एंट्री हो जाती है और सूजन की वहाँ पर एंटर होते ही वो कहने लग जाता है कि अच्छा तुम इनकी हेल्प करोगे, लेकिन मेरी वाइफ नहीं चाहती है कि तुम इनकी हेल्प करो। तो उसकी बातों को सुनने के बाद जो जिन होता है वो उससे कहने लग जाता है कि तुम उसे फोर्स क्यों कर रहे हो आखिरकार इस टाइम पर भी, जब तुम जानते हो कि इसकी लाइफ पूरी प्रॉब्लम से भरी हुई है। लेकिन इन सारी चीज़ों से सूजन को कोई भी मतलब नहीं था, उसे तो बस जूली को उससे दूर रखना था, इसलिए वो जूली का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे अपने साथ खींच कर लेकर आ जाता है और उसके बाद उसे बेड पर धक्का मारकर उससे कहने लग जाता है कि बहुत शौक है तुम्हें जिन के पास जाने का, जल्दी से तुम अभी के अभी उस जिन को कॉल कर मना करो कि वो तुम्हारा केस नहीं लड़ेगा। तो इस तरीके से तभी उसे जिन का कॉल आने लग जाता है। जूली के फ़ोन में जिन का कॉल देखकर सूजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो उससे कहने लग जाता है कि ये लड़का तुम्हें बार बार कॉल क्यों कर रहा है, जल्दी से इसको मना करो। जूली उससे बोलती है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे फादर को बचाने का, प्लीज़ सूजन ऐसा मत करो मेरे साथ। सूजन उससे बोलता है कि तुम्हारे फादर तो जेल जा चुके हैं, क्या फ़ायदा अगर तुम्हारी मॉम भी जेल चले जाए और पूरी खानदानी जेल पर चले जाए तो तुम पर क्या बीतेगी। तो इस तरीके से अपनी मॉम को बचाने के चक्कर में वो जिनसे कहने लग जाती है कि तुम्हें मेरा केस लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ तुम मेरी लाइफ से दूर चले जाओ। उसकी बातों को सुनने के बाद जिन उससे बोलता भी है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सब करने के लिए सूजन फोर्स कर रहा है ना, तुम्हें इसकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी बोलती है सूजन उसका कॉल काट देता है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसके बाद वो सूजन से कहने लग जाती है कि ना तो तुमने मेरी हेल्प की और ना ही तुमने जिन को मेरी हेल्प करने दी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। सूजन उसे बोलता है कि बदला और ये तो शुरुआत है, अभी मैं तुम्हें और भी ज़्यादा सताऊंगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जब जूली अपने बेड पर लेटी हुई होती है तभी उसे उसके फादर का कॉल आता है और वो उससे कहने लग जाते हैं कि तुम बचपन से ही मुझे अपना हीरो मानती आई हो ना, बट तुम्हारा हीरो आज हार चुका है और मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बोझ बन चुका हूँ, इसलिए इस दुनिया से जाना ही मेरे लिए बेहतर होगा। उनकी बातों को सुनने के बाद जूली उनसे बोलती है कि डैड आप क्या बोल रहे हैं, प्लीज़ ये सारी बातें मत करें। तभी उसके डैड उससे बोलते हैं कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ लेकिन प्लीज़ तुम अपनी मॉम का ध्यान रखना क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लेडी है और वो तुमसे और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ऐसा ही कहने के बाद वो कॉल काट देते हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ पर सुसाइड कर देते हैं। जूली ये सारी चीज़ें देखने के बाद समझ जाती है कि पक्का कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। थोड़ी ही देर बाद उसको ये खबर भी पता चल जाती है कि उसके फादर ने सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद वो अपने फादर से मिलने के लिए जाने वाली होती है। तभी सूजन उसे रोकता है और उसके बाद उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन जूली उसकी एक बात भी नहीं मानती और उसे बोलती है कि निकल जाओ, मेरे डैड के साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, अब मुझे सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, मुझसे दूर हो जाओ और आज के बाद मेरे क्लोज आने की कोशिश भी मत करना। उसकी बातों को सुनने के बाद सूजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहने लग जाता है कि तुमको थोड़ी सी दया क्या दिखा दी मैंने, तुम तो मेरे सर पर चलने लग गई। इस तरीके से वो उसे उठाता है और उसके बाद अपने साथ उसे लेकर चला जाता है। जूली सोचने लग जाती है कि ना जाने सूजन कैसा इंसान है, पहले उसे खुद ही प्रॉब्लम्स में डालता है और उसके बाद नाटक करने लग जाता है उसे उन प्रॉब्लम से बाहर निकालने का। कुछ देर बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जूली जैसे ही अपने फादर के पास जाती है और उनकी डेड बॉडी देखती है तो उसके बाद अपने आंसुओं को बिल्कुल भी नहीं रोक पाती है और वहीं पर ही उनके सामने बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है और अपने डैड से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। शर्म आती है मुझे ये कहने पर कि मैं आपकी बेटी हूँ क्योंकि मैं आपको बचा नहीं पाई और आपकी इज्जत इस तरीके से मिट्टी में मिल गई लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तभी वहाँ पर सूजन आता है और उसको उठाने की कोशिश करता है। वो उससे बोलती है कि मुझसे दूर रहो घटिया इंसान और जल्द से जल्द मुझे डिवोर्स दे दो, तुम जैसे इंसान के साथ मैं एक सेकंड तक नहीं रह सकती हूँ, तो पूरी ज़िंदगी बिताना तो दूर की बात है। सूजन उसको बोलता है कि अपनी बकवास बंद रखो, बहुत ज़्यादा जुबान जलती है तुम्हारी, क्यों बोलती हो इतना ज़्यादा। जूली उससे बोलती है क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम्हारे जैसे इंसान से कभी भी कोई प्यार नहीं कर सकता है क्योंकि तुम हमेशा दूसरों को टॉर्चर करना चाहते हो। ऐसा ही कहने के बाद वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद वो अकेली बैठी हुई होती है तभी उसके पास उसकी मॉम आती है जो ज़बरदस्ती उसे खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन जूली अपने डैड की मौत के बाद बहुत ज़्यादा सदमे में थी और वो अपनी मॉम को मना कर देती है। उसकी मॉम उससे बोलती है कि इस टाइम पर मैं अकेली हूँ, प्लीज़ तुम भी मेरे साथ ऐसे मत करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो अपनी मॉम की बातों को सुनने के बाद जूली कोन पर तरस आता है और उसके बाद वो अपनी मॉम को लेकर अपने डैड की ग्रेव के पास जाती है जहाँ पर कि थोड़ी देर बाद एंट्री हो जाती है तियान की और सूजन की।
वो वहाँ पर आते ही कहने लग जाती है कि तुम्हें एक खुशखबरी देनी है, मेरी सूजन के साथ शादी फिक्स हो गई है। इस बारे में सुनने के बाद तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे गुस्सा इस बात का नहीं था कि उसकी शादी पक्की हो गई थी सूजन के साथ, बल्कि मैं उसे गुस्सा इस बात का था कि अभी अभी उसके फादर गुजर गए हैं और उसकी बहन उसके सामने आकर ये सारी बकवास बातें कर रही है। और उसके बाद वो उसे कहने लग जाती है कि घटिया लड़की, थोड़ा सा डैड का लिहाज तो रखो, अभी अभी उनकी डेथ हुई है और तुम ये सारी बातें बोल रही हो। सूजन उसे बोलता है कि तुम बड़ा अच्छी बेटी बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारी असली हरकत ही तो सबको पता है। और तुम्हारे डैड जिस तरीके से उस दिन वहाँ पर आकर तुम पर चिल्लाकर गए ना, लगता है कि तुम्हारे डैड भी तुमसे नफरत करते हैं। उसकी बातों को सुनने के बाद जूली उससे बोलती है कि तुम कितनी घटिया इंसान हो सूजन, मुझे नफरत है कि मैंने तुम जैसे इंसान से कभी प्यार किया था, लेकिन मैं आप कसम खाती हूँ कि तुम जैसे इंसान से मैं कभी भी प्यार नहीं करूँगी। उसकी बातों को सुनने के बाद सूजन उसे बोलता है कि अपने डैड को तो खो दिया, तो अपनी मॉम को भी खोना चाहती हो, और अगर नहीं खोना चाहती हो तो जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ जाओ। तो उसके बाद अपनी मॉम को बचाने के खातिर वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उसके बाद उससे कहती है कि तुम मेरी मॉम को कुछ भी मत करना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, पहले ही मैंने अपने घर के सारे मेंबर्स को खो दिया है, लेकिन अब मैं अपनी मॉम को नहीं खोना चाहती हूँ। इस तरीके से वो अपने फादर के पास जाती है और उसके बाद उनसे कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बचा नहीं पाई, लेकिन जो कुछ मैंने किया है उसकी सजा मैं अपने आप को दूंगी। ऐसा ही कहने के बाद वो जोर जोर से अपना सर पटकने लग जाती है और थोड़ी देर बाद वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो उसको हॉस्पिटल में लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि दिमाग कुछ खराब हो गया क्या, तुम अपनी हेल्थ को आखिरकार इस तरीके से कैसे इग्नोर कर सकती हो, ये जानते हुए भी कि तुम 2 मंथ प्रेग्नेंट हो। तुम इस बात को जानते भी हो कि तुम्हारी इन सब गलतियों की वजह से तुम्हारी बेबी पर असर पड़ेगा और तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा बेबी इस दुनिया पर आए। जूली उससे कहती है कि कौन माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा इस दुनिया पर आए, लेकिन उसका डैड तो इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आखिरकार मैं अकेले इसको कैसे पालूंगी। जिन उससे बोलता है कि इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल हो सकता है और तुम इस बच्चे को अकेले नहीं पाल सकती हो क्या। जिन की बातों को सुनने के बाद जूली को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ ही टाइम बाद वो देखती है कि फाइनली न्यूज़ चैनल्स में भी ये अनाउंस हो गया था कि टियान की शादी जो है वो बहुत ही जल्द सूजन से होने वाली है और आज उनकी एंगेजमेंट है। इन सारी बातों को सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो उधर ही हम देखते हैं कि एंगेजमेंट होने के बाद टियान सूजन पर चिपकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और उसे कहती है कि फाइनली हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है, तो आज ऑफिस का काम छोड़कर मेरे साथ टाइम स्पेंड करो ना, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं मानता है और उसे इग्नोर मारकर वहां पर से चला जाता है। ऑफिस में काम करते टाइम मैनेजर उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है और वो कॉफ़ी एक साधारण कॉफ़ी नहीं थी, बल्कि मैं उसमें टियान ने ड्रग मिलाया हुआ था ताकि वो सूजन के साथ नाइट स्पेंड कर सके। तो उधर ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूली की मॉम उससे बोलती है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला भी इस दुनिया में सरवाइव कर सकती हूँ, लेकिन तुम बस इस टाइम पर अपने आप पर ध्यान दो क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम भी कितनी सारी प्रॉब्लम से गुजर रही हो। तो तभी हम देखते हैं कि ड्रग्स की वजह से जो सूजन होता है वो जूली को ढूंढते ढूंढते उसकी मॉम के घर तक पहुंच जाता है और उसके बाद दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है। जहाँ पर जूली दरवाज़ा खोलती है तभी वो देखती है कि सूजन वहाँ पर है। उसको देखने के बाद वो उसे पकड़ लेता है और उसके बाद गले लगाकर उसे अपने साथ एक होटल में लेकर आ जाता है, वो भी ज़बरदस्ती। वो उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं मानता है और उसके बाद बेड में पटक कर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। जूली उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन ड्रग की वजह से उसे बिल्कुल बेहोश नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। इस तरीके से नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जूली उठती है तो वो फटाफट से बिना कुछ सोचे समझे इससे पहले कि सूजन को होश आता वहाँ पर से निकल पड़ती है। और जैसे ही कुछ ही देर बाद सूजन की आँखें खुलती है तो वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पर कोई और नहीं है बल्कि मैं टियान लेटी हुई है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि जिस लड़की के साथ उसने कल रात को नाइट स्पेंड की थी वो कोई और नहीं है बल्कि मैं टियान है। और इसी तरीके से टियान उससे कहने लग जाती है कि कल रात को तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था जिसके बाद तुमने ज़बरदस्ती मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तो तभी वो उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। थोड़ी देर बाद सूजन और टियान तो घर पर पहुंच जाते हैं लेकिन उनके घर पर पहुंचने के बाद वहां पर एंट्री हो जाती है जूली की, और जूली के देखने के बाद तो जो सूजन होता है वो उसके पास आता है
और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि पूरी रात भर कहाँ थी तुम अपने आशिक मस्तानी के साथ। ऐसा ही कहने के बाद वो उसका गला पकड़ता है, और जैसे ही वो उसका गला पकड़ता है तभी वो देखता है कि उसके गले पर निशान है, और वो लव बाइट देखने के बाद तो उसका दिमाग ही सनक जाता है। और उसके बाद वो उससे कहने लग जाता है कि इसका मतलब कि ये बात सच थी कि तुम अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ थी। तभी वो उससे बोलती है कि दिमाग कुछ ख़राब हो गया है क्या तुम्हारा, कल रात को मैं किसके साथ थी और किसके साथ नहीं थी ये तुम्हें याद नहीं है क्या, मेरे साथ पूरी नाइट स्पेंड करने के बाद अब सादा भोला बन रहे हो अपने आप को। तो उसकी बातों को सुनने के बाद वो उसे कहने लग जाता है कि पागल हो गई क्या। ऐसे ही कहने के बाद वो उसे एक थप्पड़ मारता है, और उसके बाद उसे कहने लग जाता है कि झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। जैसे ही वो नीचे गिरती है तो उसको ब्लडिंग होने लग जाती है, जिसके बाद वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। सूजन उसके पास आता है और थोड़ी देर बाद उसको हॉस्पिटल में लेकर जाता है। हॉस्पिटल पहुँचते ही उसको ये न्यूज़ मिलती है कि जो उसकी वाइफ है वो 2 मंथ से प्रेग्नेंट है। जिस बात को सुनने के बाद तो सूजन को गुस्सा आता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं है बल्कि मेन जिन का है। और इसी तरीके से वो उससे कहने लग जाता है कि डॉक्टर जल्द से जल्द इसका बच्चा एबॉर्ट कर दीजिए, ना जाने किस लड़के के साथ इसने नाइट स्पेंड की है और उसका इंजाम यहाँ पर मुझे भुगतना पड़ रहा है। जूली उसे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तब तक पीछे से टियान का ड्रामा शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो नीचे गिर कर सूजन से कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। और इसी तरीके से उसे भी ब्लीडिंग होने लग जाती है, और उसे देखकर वह उसे कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मिसकैरेज के सिम्टम्स है, प्लीज़ सूजन किसी भी हालत में मेरे बच्चे को बचा दो, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और इस तरीके से उसे खोता हुआ नहीं देखना चाहती हूँ। तो उसकी बातों को सुनने के बाद सूजन को उस पर दया आ जाती है, और वो उसे अपनी गोद पर उठा कर अपने साथ लेकर आ जाता है। जब वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है ना, तो जो टियान होती है वो एकदम ईवल वाली स्माइल देती है जूली को, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि सूजन उसे ज़्यादा पसंद करता है। कुछ देर बाद सूजन की मॉम भी वहाँ पर आती है, और जैसे ही उनको पता चलता है कि टियान प्रेग्नेंट है, तो इस बात को सुनने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी टियान उनसे कहने लग जाती है कि आप इतना खुश मत होइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है, और वो तो मेरे बच्चे को बस मारने की कोशिश करेगी। तभी सूजन की मॉम कहने लग जाती है कि उस लड़की को तो ये डिवोर्स दे देगा जल्द से जल्द, और जब वो लड़की हमारी लाइफ से दूर चली जाएगी ना तभी मेरे दिल को ठंडक पड़ेगी। तो तभी सूजन कहने लग जाता है कि नहीं मॉम, मैं उसे इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा, बल्कि मैं उसे तड़पाऊंगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो जूली होती है वो सूजन के पास जाती है, उसे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए बोलती है। तो तभी सूजन उससे बोलता है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या, जब देखो तब मेरे पास आ जाती है वो डिवोर्स पेपर लेकर, जब तुम्हें पता है कि मैं उस पर साइन करूंगा ही नहीं तो तुम ऐसा क्यों करती हो। जूली उससे बोलती है कि मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम एक टॉक्सिक इंसान हो, और तुम्हारे जैसे इंसान के साथ अपनी लाइफ स्पेन में और नहीं कर सकती हूँ। पहले ही तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और तुम चाहते हो कि अपनी बची बुची ज़िंदगी तुम पर भरोसा कर मैं और भी ज़्यादा बर्बाद कर दूँ। सूजन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा, समझी तुम। ऐसे ही कहने के बाद ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है, और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही जो जूली होती है वो घर पर पहुँचती है, तभी वहाँ पर सूजन की मॉम आ जाती है और उसके कपड़ों को नीचे फेंक कर उससे कहने लग जाती है कि इस घर से दफा हो जाओ, हमें इस घर की जो बहू है वो मिल चुकी है, तुम इस घर की बहू कभी भी नहीं बन सकती हो, जल्दी से यहाँ पर से बाहर चली जाओ। जूली अपना सामान उठाने लग जा रही है, क्योंकि वो तो इस घर से दूर ही जाना चाहती थी। और जब ये सारी चीज़ें टियान देख रही होती है दूर से, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होती है, और उसे तो ऐसा लगता है कि उसका आधा प्लान तो सक्सेसफुल हो ही चुका है, और फाइनली उसकी लाइफ से जो जूली नाम की आफत है वो भी जा चुकी है। थोड़ी देर बाद जब जूली वहाँ पे से जाने वाली होती है, तभी सूजन उसे रास्ते में मिल जाता है, और वो उसके बाद उसे कहने लग जाता है कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, इतने आसानी से मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। ऐसा ही कहने के बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पास आकर उससे कहने लग जाता है कि तुम मुझसे मेरी इजाज़त के बिना कभी भी दूर नहीं जा सकती हो, और इस तरीके से मुझसे दूर मैं तुम्हें कभी जाने भी नहीं दूंगा, समझी तुम। ऐसा ही कहने के बाद वो उसको ज़बरदस्ती अपने साथ दोबारा से घर में लेकर आ जाता है, और उसके बाद उसको नौकर के कमरे में धक्का मार कर बंद कर देता है, और उससे कहने लग जाता है कि आज के बाद यही कमरा तुम्हारा है, तुम यहीं पर ही रहोगी एक नौकर की तरह, समझी।
जूली को अपने लिए तो बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन बुरा लग रहा था तो अपने बच्चे के लिए, जो इस दुनिया में आने से पहले ही ये सारी चीज़ें देख रहा था उसकी मॉम के साथ किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि जो सूजन होता है वो जूली को कहता है कि अब से तुम्हें टियान की मदद करनी पड़ेगी, उसे जो चाहिए होगा, उसे जो खाने का मन करेगा तुम सब कुछ उसे दोगी। इस तरीके से टियान के विश के अकॉर्डिंग जूली सारा खाना बनाती है, लेकिन टियान पहले कह देती है कि तो बहुत ज़्यादा बकवास है, मैं नहीं खाना खाऊंगी। जिसके बाद वो दोनों के दोनों जूली को काफ़ी ज़्यादा ताने मारते हैं और थोड़ी देर बाद जूली को वहाँ पर से बाहर भेज देते हैं। कुछ ही देर बाद टियान अपनी सासू माँ से कहने लग जाती है कि आपको पता है कि मेरी किडनी ख़राब हो रही है, इसलिए मुझे डॉक्टर ने कहा है कि हमें किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बच्चे को खतरा हो सकता है और मुझे लगता है कि इसमें मेरी मदद कोई और नहीं बल्कि मेरी प्यारी बहन जूली कर सकती है। तो उसकी बातों को सुनने के बाद उसकी सासू माँ उससे बोलती है कि जैसा तुम चाहोगी ना वैसा ही होगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम उस जूली को मना लेंगे, वैसे भी वो हमारे किसी काम की नहीं है, कम से कम उसकी किडनी तो किसी काम आएगी। थोड़ी ही देर बाद सूजन की मम सूजन को ये सारी बातें बताती है। जैसे ही सूजन को ये सारी बातें पता चलती है तो वो पहले ही मना कर देता है, लेकिन ये सारी बातें जूली सुन देती है, जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और उसके बाद जो सूजन की मॉम सूजन से कहने लग जाती है कि जूली हमारी किसी भी काम की नहीं है, वो बस हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, इससे बेहतर यही होगा कि हम उसका थोड़ा सा तो यूज़ करें और वो हमारे थोड़े बहुत यूज़ आएगी तो उसे भी थोड़ा सा अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आज तक तो वो बस अपनी ज़िंदगी में बुरे काम ही करती आ रही है। तो सूजन तो साफ साफ अपनी मॉम को मना कर देता है और उसके बाद उसे कहने लग जाता है कि किसी एक की ज़िंदगी बचाने के चक्कर में हम किसी दूसरे की ज़िंदगी खतरे में डाल दें तो ये बुरी बात है और मैं इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो अपने कमरे में आता है तभी उसके सामने जूली आकर खड़ी हो जाती है और वो उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें मेरी किडनी चाहिए ना, तो मैं अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ, बट बदले में तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार होंगी। उसकी बातों को सुनने के बाद सूजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसका गला दबाकर उसे कहने लग जाता है कि एक तो मैं तुम्हारी भलाई के बारे में सोचता भी हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझसे झगड़ा करने के मूड में रहती हो, बहुत ज़्यादा शौक है तुम्हें दानवीर बनने का, एक्चुअल में तुम्हें इतना कमज़ोर देखकर तुम्हें परेशान करने का मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, इसलिए तो मैं तुम्हारे फिलहाल के लिए प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। इस तरीके से वो जूली के पास आकर उसके साथ ज़बरदस्ती फिजिकल होने लग जाता है, वो उससे बोलती है कि प्लीज़ मुझसे दूर रहो यार, मेरे साथ इतना भी बुरा मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन जब वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है तभी उसके हाथ पे एक सीज़र आती है जिसको पकड़कर वो उसको सूजन पर खूब देती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून आने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है टियान की और सूजन की मॉम की, और वहाँ पर आते ही जो टियान होती है वो ड्रामा करने लग जाती है और उसके बाद उसे कहने लग जाती है कि बदतमीज लड़की, तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है, देख नहीं रहे हो कि कितना खून आ रहा है इसके हाथ में, और चुपचाप वहाँ पर बैठी हुई उसे नुकसान पहुँचाने के बाद तभी सूजन की मॉम भी उसको मारने लग जाती है। सूजन अपनी मॉम को शांत होने के लिए बोलता है और उसके बाद उनसे कहने लग जाता है कि इस लड़की को आज बिल्कुल भी खाना नहीं मिलेगा और ये यहीं पर ही तड़पती रहेगी, और ऐसा ही कहने के बाद वो उसको वहीं पर ही छोड़ कर चले जाते हैं। कुछ देर बाद जो टियान होती है वो जूली को चिढ़ाने के लिए उसके पास जाती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि बेचारी से मैंने उसका सब कुछ छीन दिया, अब तक तो तुम ये देख ही चुकी हो कि सूजन तुमसे कितनी ज़्यादा नफरत करता है और मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, ये सब जानने के बाद भी तुम हम दोनों के बीच में आना चाहती हो, इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ कि जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो और पतली गली से उसकी लाइफ से दूर निकल जाओ, क्योंकि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। उसकी बातों को सुनने के बाद जूली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहने लग जाती है कि निकल जाओ, तुम अपनी बकवास बंद रखो और मुझे परेशान मत करो। इस तरीके से वो उसे हल्के से धक्का दे देती है, लेकिन टियान तो इस बात का एकदम बवंडरी बनाने लग जाती है और उसके बाद सभी के सामने ये झूठी झूठी एक्टिंग करने लग जाती है कि इसको ब्लीडिंग हो रही है। तभी वहाँ पर सूजन भी आ जाता है और उसको देखकर वो ज़ोर ज़ोर से रोकर कहने लग जाती है कि इसने मुझे धक्का दिया और उसके बाद मुझे ब्लीडिंग होने लग जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझे मिसकैरेज तो नहीं होने वाला है। सूजन थोड़ी देर बाद उसको हॉस्पिटल में लेकर जाता है जहाँ पर दोबारा से टियान नाटक करने लग जाती है और रोते रोते उसे कहने लग जाती है कि मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती हूँ, प्लीज़ किसी भी हालत में मेरे बच्चे को बचा दो। थोड़ी देर बाद जो सूजन होता है वो बाहर पर ही खड़ा हो जाता है और जैसे ही उसके सामने जूली आती है तो जूली को देखते ही वो उसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि
एक लड़की होकर दूसरी लड़की के साथ ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? जूली उससे बोलती है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैंने उसे हल्के से धक्का दिया था। इतने से धक्के से कुछ नहीं होता है यार, तो मुझ पर बेफाल तुम्हें क्यों इतने एलिगेशंस लगाते रहते हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। जब तुम अपने मन में ही मुझे एक विलन बना चुकी हो तो तुम्हारे सामने कोई भी एक्सप्लेनेशन देने का फ़ायदा भी नहीं है। सोचिन उसे बोलता है कि टियान के बच्चे के साथ ये सब करने की बात मेरे सामने एकदम भूली भाली बन रही हो, लेकिन तुम्हारी असलियत मैं जानता हूँ। तुमने मेरे भाई को भी मारा और इसी तरीके से तुम उसके बच्चे को भी मारने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे जितनी इतनी जहरीली औरत मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी है। एक बच्चे को तो बख्श देती, लेकिन नहीं, तुमको बस अपना बदला लेने के चक्कर में एक बच्चे को भी मारना था। अब तुम यहीं पर ही खड़ी रहो जब तक कि उसको होश ना आ जाए, और याद रखना अगर उसके बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा ही कहने के बाद जब वो वहाँ से चला जाता है तभी जूली वहीं पर ही बेहोश जाती है, क्योंकि उसने रात से कुछ भी खाना नहीं खाया था। लेकिन कुछ देर बाद जिन उसे डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है, और यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।